जैसा कि हम जानते हैं कि हाल ही में भारत में G20 का शिखर सम्मेलन संपन्न हुआ है और इस सम्मेलन में G20 के जितने भी सदस्य हैं उन सभी देशों को आमंत्रित किया गया था। ऐसे में इस मीटिंग में इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी भी आई थी और इनकी फ़ोटो आप भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ जरूर देखी होगी और इनकी वीडियो भी सोशल मीडिया पर काफ़ी वायरल हो रही है। इसलिए आज के इस वीडियो में मैं आपको इनके जीवन से जुड़ी सभी जानकारियाँ बताने वाला हूँ। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको यह बता दूं कि जॉर्जिया मेलोनी इटली की पहली महिला प्रधानमंत्री हैं और इन्होंने 22 अक्टूबर 2022 को इटली के प्रधानमंत्री पद पर शपथ ली थी और यह दक्षिणपंथी नेता मानी जाती हैं। यदि आप दक्षिणपंथी नेता का मतलब नहीं जानते तो आपको बता दें कि इस तरह की विचारधारा के नेता रूढ़िवादी माने गए हैं और इनकी आर्थिक नीति में कम टैक्स वसूलने की बात कही गई है। इसमें परंपराओं और राष्ट्रवाद को अहम दर्जा दिया जाता है। यदि भारत की बात करें तो यहाँ हिंदुत्व की विचारधारा वाली पार्टियों को दक्षिणपंथी पार्टियाँ कहा जाता है। जॉर्जिया मेलोनी इटली के पूर्व तानाशाह बेनिटो मुसोलिनी की समर्थक मानी जाती हैं। बेनिटो मुसोलिनी इटली के सबसे विवादास्पद तानाशाहों में से एक थे। इन्होंने इटली के फासिस्ट संगठन की स्थापना की थी और साल 1922 में यह प्रधानमंत्री बने थे और 1945 में इन्हें पक्षपातियों के एक फायरिंग दस्ते द्वारा मार दिया गया था। जॉर्जिया मेलोनी हमेशा अपने बयानों के लिए जानी जाती हैं। एक बार इनके एक फैसले की वजह से काफ़ी विवाद हुआ था क्योंकि इन्होंने अपने नाम के आगे पुल्लिंग रूप चुना था। जैसे हमारे देश में स्त्री के लिए श्रीमती और पुरुष के लिए स्त्री शब्द का प्रयोग किया जाता है, उसी तरह इटली में ला शब्द का प्रयोग पुरुषों के लिए किया जाता है और इल शब्द का प्रयोग स्त्री के लिए किया जाता है और जॉर्जिया मेलोनी ने अपने नाम के आगे ला शब्द का प्रयोग किया था। एक बार यह अपने पति के बयान के कारण काफ़ी चर्चा में आई थी क्योंकि इनके पति ने एक इंटरव्यू में कहा था कि यदि महिलाएं अधिक शराब ना पिए और नशे में ना हो तो वह रेप से बच सकती हैं। दोस्तों अब बात कर लेते हैं कि लाइफ स्टोरी के बारे में। तो जॉर्जिया मेलोनी का जन्म 15 जनवरी 1977 को इटली के रोम शहर में हुआ था। इनकी उम्र 46 साल की है और इनके पिता सार्डिनिया से थे और इनकी माता सिसिली से थी। जब मेलोनी की उम्र मात्र 1 साल की थी तब इनके पिता ने इनकी माँ को छोड़ दिया था। इनकी माता का नाम अन्ना परतोस है जो पेशे से उपन्यासकार थी। इनका अधिकांश बचपन माँ के साथ गुजरा और बचपन से ही इनके ऊपर दक्षिणपंथी विचारधारा का विशेष प्रभाव रहा है। जॉर्जिया मेलोनी के हस्बैंड का नाम एंड्रिया जिम्ब्रोनो है जो एक वास्तुकार हैं और इनका एक बच्चा भी है। जॉर्जिया मेलोनी रोम में पली बढ़ी और बहुत ही कम उम्र में इन्हें राजनीति में काफ़ी रुचि थी, इसलिए इन्होंने सिर्फ 15 साल की उम्र में इटली के नेशनल अलायंस पार्टी की युवा शाखा में शामिल हो गईं और साल 1992 में पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी का सदस्य बन गईं। दोस्तों जॉर्जिया मेलोनी ने रोम के लिसो लिंग्विस्टिको वर्जिसलियो से अपनी स्कूलिंग कंप्लीट किया। इसके बाद रोम विश्वविद्यालय ला सेपेंजिया से दर्शन शास्त्र में डिग्री हासिल की। यह पढ़ाई के साथ साथ राजनीति में भी आ गई थी, इसलिए विश्वविद्यालय में अपने समय के दौरान यह विभिन्न राजनीतिक गतिविधियों में शामिल थी। अब बात कर लेते हैं इनके करियर के बारे में। तो जैसा कि हमने आपको बताया कि जॉर्जिया मेलोनी इटली की पहली महिला प्रधानमंत्री है। खास बात यह है कि यह बेहद कम समय में अधिक लोकप्रिय हो गई और यह अपने काम और विचारों को लेकर अक्सर चर्चा में बनी रहती हैं। इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी साल 2008 में इटली की सबसे युवा मंत्री बन गई थी। इसके बाद इन्होंने एक पार्टी बनाई जिसका नाम ब्रदर ऑफ इटली रखा। इनके राजनीतिक सफ़र की बात करें तो इन्होंने टीनेज में ही राजनीति में अपना करियर शुरू कर दिया था और साल 1998 से साल 2002 तक रोम प्रांत की पार्षद भी रह चुकी हैं। इसके बाद यह यूथ एक्शन की अध्यक्ष बनी। इसी के साथ जॉर्जिया मेलोनी को साल 2008 में बर्लुस्कोनी कैबिनेट में यूथ मिनिस्टर नियुक्त कर दिया गया। साल 2012 में ब्रदर ऑफ इटली पार्टी की सह स्थापना की और साल 2014 में इसकी प्रमुख बनी। आपको बता दें कि साल 2021 में मेलोनी ने किताब पब्लिश की जिसका नाम है आई एम जॉर्जिया। अब बात कर लेते हैं इनके सोशल मीडिया अकाउंट्स के बारे में। तो जॉर्जिया मेलोनी अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पर काफ़ी ज़्यादा एक्टिव रहती हैं और अपने इंस्टाग्राम पर अधिकतर इन्होंने राजनीति से रिलेटेड वीडियो और फोटो शेयर करती हैं। जॉर्जिया मेलोनी के इंस्टाग्राम अकाउंट पर 1.6 मिलियन के आसपास फॉलोअर हैं। तो दोस्तों ये रही इटली की पहली महिला प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के जीवन से जुड़ी जानकारियाँ। आपको यह वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके बताइएगा और अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में शेयर करिएगा।